Scott. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम मजे में होंगे। तो अभी है ना शाम के 5 बजे हैं। सुबह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई हूँ, तो अभी मैं है ना गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ और आप सबको भी एक रेसिपी मिल जाएगी। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए जो हमने गाजर लिया था ना, वो हम मैंने ग्रेट कर लिया है। देखो, तो मैंने गाजर को ग्रेट करके रख दिया है। अभी मैं गाजर का हलवा बनाने की शुरुआत करूँगी। आगे आगे जैसे जैसे जिस जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी ना, वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। सबसे पहले मैं कढ़ाई में 2 चम्मच भर के घी लूँगी, और घी आप अपने गाजर के हिसाब से लीजिएगा। मैंने 2 चम्मच भर के घी लिया है, और बाद में वो गर्म होते ही मैं उसमें ग्रेट किए हुआ जो गाजर है वो डालूँगी, और उसको अच्छे से सौते करूँगी, क्योंकि उसको यहाँ पर पकाना भी ज़रूरी है। उसको आप घी में जैसे जैसे पकाते जाओगे ना, वैसे वैसे अच्छी खुशबू आती जाएंगी, तो आपको खुद से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये अच्छे से सौते हो गया है गाजर। यहाँ पे थोड़े से पक जाए, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। उससे पहले हम उसको हिला हिला कर अच्छे से पकाएंगे। मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली गाजर को हिला कर उसको अच्छे से सभी तरफ से पका रही हूँ, क्योंकि कैसा होता है, आप हिलाओगे नहीं ना तो नीचे से वो गाजर अच्छे से पकेगा, लेकिन ऊपर से वो है ना अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो हमें है ना उसको हिलाते रखना है और अच्छे से सभी तरफ से पकाना है। हमारा जो ग्रेट किया हुआ गाजर है वो यहाँ पे पक गया है, और बाकी का है ना यहाँ पे 30-40% जितना पका है, और बाकी का हम जब मिल्क डालेंगे ना इसमें तब अच्छे से वो पक जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे जो उसकी जो महक थी ना, वो बड़ी अच्छी आ रही थी। आपको वहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत अच्छी महक आ रही थी, क्योंकि घी में वो है ना अच्छे से पका है तो उसकी महक ही अलग होती है। तो अभी इस स्टेज पर हम है ना आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ कर मैं सभी तरफ से हिला कर देख रही हूँ वो अच्छे से पका है कि नहीं, लेकिन सभी तरफ से अच्छे से पक गया है। और उसके एक तरफ गाजर का हलवा पक रहा है, और दूसरी तरफ है ना जिया, रेनिल और कृष्णा तीनों नीचे ही बैठे हुए हैं। कृष्णा है ना वो हरे वाले चने आते हैं ना उसके छिलके निकाल रही है, और जिया और रेनिल वो दोनों मस्ती कर रहे हैं, और साथ ही में जो भूंगरे आते हैं ना तो वो मैंने तले थे तो वो खा रहे हैं। ऐसे है ना बच्चों को बिजी रखना पड़ता है, वरना वो कोई काम ही नहीं। गाजर को और थोड़ी देर मैंने पकने के लिए रखा था, और उतनी देर में मैंने जो गुड़ है ना उसको उसकी कतरी करके मैंने साइड में रख रही थी, क्योंकि बाद में हमें क्या सिर्फ डालना ही होगा, वो रेडी होगी ना तो हमें फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम टाइम का सदुपयोग करके उसके साथ साथ सभी काम करते रहते हैं। तो और ये जो हलवा है ना, मैं शुगर में बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली, गुड़ में बनाने वाली हूँ, क्योंकि विंटर ईयर ख़त्म होने को आए हैं, और कैरेट हो अच्छे वाले कैरेट अभी ही मिलते हैं, बाद में तो हमें नहीं मिलते। और गाजर का हलवा तो खाना बनता ही है, और बच्चे ना खाएं ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और शुगर की वजह से है ना मैं बच्चों को ज़्यादा शुगर खिलाती नहीं हूँ, और शुगर की वजह से उसको है ना सर्दी होने के चांसेस रहते हैं, तो उस वजह से उनको स्पेशल खिलाने के लिए मैं गुड़ में ये बना रही हूँ। और इसमें मैंने फिर जो शूट पाउडर आता है ना वो मैंने डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है, और फ्रेश मलाई होती है ना वो डाला है। आप इसमें मावा नहीं डालोगे ना तो चलेगा, क्योंकि मलाई है ना वो आपको थोड़ा सा मावा का टेस्ट भी दे देता है। और इसमें बाद में हम दूध डालेंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये सारा दूध जल ना जाए, मतलब कि अंदर देखने में दूध आपको दिखाई ना पड़े, सिर्फ गाजर ही दिखाई पड़े, तो उतनी देर हमें पकाना है। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम दूध लिया है, आधा लीटर,
तो वो मैंने सभी इसमें डाल दिया है। अभी हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं, लेकिन हम वो बाद में डालेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने दूध डाला है, तो इसको अच्छे से हिला कर बाद में इसको पकने के लिए रख देंगे, तो वो अपने आप पकता रहेगा, क्योंकि अभी तो जलने का डर है नहीं, क्योंकि अंदर दूध है। तो हम सिर्फ बीच बीच में हम देख लेंगे कि वो अच्छे से पक रहा है कि नहीं, क्या हाल चाल है उसका, वो देख लेंगे। और बाद में जब पक जाएगा तब हम उसमें ड्राई फ्रूट्स और ये सब डाल देंगे। इसी स्टेज पर मैं गुड़ भी डाल दूंगी। अच्छे से पकने के बाद आप देख सकते हो कि दूध है ना, वो अभी कम थोड़ा सा ही दिख रहा है। तो इसी स्टेज पर हम ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर है ना वो डालेंगे। मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैं पाउडर फॉर्म में नाप रही हूँ, लेकिन आपके पास ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स को कूट कर भी डाल सकते हो, या फिर उसकी जो कतली आती है ना वो करके भी आप डाल सकते हो, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से हिलाया है। और आपका आपके बच्चे हो ना घर में, तो आप इसमें पीपल मूल जो आते हैं, वो जो विंटर के मसाले आते हैं ना, वो सब भी इसमें डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। केसर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ सूट पाउडर डाला है और इलायची डाला है और गुड़ का उपयोग करा है मैंने। और यहाँ पे हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है, और टेस्ट में भी वाकई में बहुत अच्छा बना था ये। मेरे घर में ये गुड़ वाला जो हलवा है ना वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और सभी ने बहुत अच्छे से खाया था। अभी नेक्स्ट डे है और हम लोग है ना गुलमोहर हिल्स में जाने के लिए निकल गए हैं, और हम पहुंचने ही वाले हैं। मैंने पहले घर पे कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ और दिखा रही हूँ। ये गुलमोहर हिल्स है ना, वैसे तो एक हाउस बना हुआ है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे लोकेशन पे बना हुआ है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो यहाँ पे कई सारी गुजराती मूवी की शूटिंग की गई है, और यहाँ पे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो सारे रील्स बनाने के लिए आते हैं, शॉर्ट्स बनाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो जिसकी शादी होने वाली होती है ना, वो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने है ना काफ़ी अच्छी कोई कोई जगह पे अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी है, तो वहाँ पे आप अच्छी खासी फ़ोटो खिंचवा सकते हो। आप देख सकते हो कितनी अच्छी जगह है ये। यहाँ आपको सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आना हो ना, तब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठकर है ना हमारे जो मन है ना वहाँ उनको बहुत ज़्यादा शांति मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा हार्ट शेप बना है, तो वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए इन्होंने बनाया है, और ये वो हाउस है जो मैं आपको बता रही थी। और यहाँ पे देखो ऐसा फ्लावर वाला झूला बनाया है, यहाँ पे भी आप अच्छी खासी फ़ोटो ले सकते हो। और ये लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे यहाँ पर आकर है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मैं चाहूँगी कि मुझे दूसरी बार टाइम मिले तो मैं ज़रूर से यहाँ आना चाहूँगी, क्योंकि मैं सभी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि हम शाम के टाइम में आए थे। तो यहाँ पे इन्होंने है ना हंस भी रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। मेरे दोनों बच्चे इनको देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और ये उनके जो घर है ना उसके पीछे के साइड में एक तालाब जैसा बनाया है, और बीच में आप वहाँ पे खड़े भी रह सकते हो, और ये ऐसा पुल जैसा बनाया है, तो यहाँ पे आप अच्छी खासी फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और मैंने बोला ना कि ये लोकेशन इतना अच्छा है ना, क्योंकि पीछे हिल आपको डूंगर जैसा दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे बैठोगे ना आप सभी तरफ देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नेचर से कनेक्ट है, तो उस वजह से है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे जिया ऊपर चढ़ गई थी, तो वहाँ से वो उतर रही थी, लेकिन डर रही थी क्योंकि यहाँ पे है ना 3-4 डॉग है जो इन्होंने पाल रखे हैं, तो वो हमें देखकर है ना भौंकने लगे थे इसलिए। और यहाँ पे गिरीश और रेनिल वो इस घर के जो ऑनर है ना, तो वो गिरीश की पहचान में है, तो हम उसी वजह से यहाँ पे आए थे। गिरीश मुझे बताना चाह रहे थे कि ये बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें एक बार जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर मैं है ना रील बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जिया बार बार मुझे आके डिस्टर्ब कर रही है। मुझे है ना शॉर्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि दोनों बच्चे हैं ना वो बीच में आ जाते हैं और अच्छे से शूट ही नहीं करने देते, और जिया है ना वो तो जानबूझकर मुझे परेशान करती है और हंसती रहती है, तो बच्ची है तो उसको तो क्या कह सकते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम के बाद हम लोग शॉर्ट्स शूट कर पाते हैं।
ये काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोग यहाँ पे ज़रूर से एक बार तो विज़िट करिएगा ही करिएगा। ये दिन में नहीं रात पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने है ना लाइट भी, लाइटिंग जो होती है ना वो भी काफ़ी अच्छी कर रखी है। अगर आप यहाँ पे आना चाहो तो आप इनको है ना कांटेक्ट करके आना, और मैं आपका ये इनका जो कांटेक्ट नंबर है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इनका इंस्टा पेज भी, वो उनकी लिंक भी मैं दे दूंगी। तो उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे होटल पे आके यहाँ पे डिनर किया, उसके बाद हम घर गए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।